क्या शीघ्रपतन या वीर्य का जल्दी छूट हो जाने से आपकी शादी खतरे में है? इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। इसके पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो डाले हुए हैं इसके बारे में, और आज और कुछ जानकारी आपको देता हूँ। क्या है कि जल्दी छूट हो जाना या वीर्य का जल्दी छूटना, अर्ली इजैकुलेशन, शीघ्र पतन होना, ये बहुत कॉमनली दिखाई देता है लोगों में। करीब करीब 30% लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है एट एनी गिवन टाइम। और पूरे सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स है उसमें 40% लोगों को ये प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि बार बार, हर बार यदि शीघ्रपतन हो जाता है और थोड़ा भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है तो पेनिट्रेशन हो जाने के बाद में, मतलब शिश्न का योनि में प्रवेश होने के बाद में थोड़ा भी स्टिमुलेशन होता है और थोड़े स्टिमुलेशन से भी तुरंत शीघ्रपतन हो जाता है और ये बार 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 होते रहता है, उसमें सेटिस्फैक्शन, समाधान नहीं होता, या वो व्यक्ति चाहता है कि छूटना नहीं चाहिए तभी भी छूट जाता है, तो उसको शीघ्रपतन बोलते हैं। मतलब क्या है कि एक तो बार बार हो रहा, हर बार हो रहा, थोड़ा भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन है तो ऐसा हो रहा है, एक तो वीर्य का छूटना जो है वो लिंग का योनि में प्रवेश होने के पहले होता है, या लिंग का प्रवेश होते ही होता है, या लिंग का प्रवेश होते होते होता है, और उसमें पार्टनर को ना खुशी मिलती है ना खुद को खुशी मिलती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एजुकेटेड लोगों में ज़्यादा दिखाई देता है, एजुकेटेड लड़कों में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में, क्योंकि उनको एक आजकल ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि क्या मैं पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। वैसे ही बहुत चिंता है, एंग्जाइटी है, घबराहट है, बेचैनी है, फिर एक सेक्सुअल गिल्ट है, अपराधीपन की भावना है, फिर बचपन का पेरेंट चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, माँ बाप से नहीं पटना बच्चों का, या बच्चों के ऊपर माँ बाप ने बहुत हावी हो जाना, या कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब पेरेंट चाइल्ड का कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर इंटरपर्सनल हाइपर सेंसिटिविटी है पति पत्नी में, या एकदम परफेक्ट होना चाहते कोई, बिल्कुल जैसा वैसा, ऐसा एक स्वभाव रहता है लोगों का परफेक्शनिज्म का, या फिर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, अनयूजुअल एक्सपेक्टेशन वहाँ से होता है। और आजकल ऐसा है कि लोग जाता है बाहर सेक्सुअल वर्कर के पास में, वहाँ सेक्सुअल वर्कर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहती मतलब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको क्या पैसे से मतलब है, वो जल्दी करो ऐसे इसमें जल्दी छूट हो जाती है, या फिर कोई आ जाएगा अंदर, ऐसी जगह संभोग कर रहे हैं कि जहाँ कोई आने का डर है, छुपके छुपके संभोग कर रहे हैं, तो फिर जल्दी छूटना अनिवार्य है, मतलब जल्दी छूट होना चाहिए ऐसा लगता है, तो वो एक हो सकता है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है कि जिसमें जल्दी छूट जाना एक कंडीशनिंग हो जाता है कि भाई, एक तो बार बार ऐसा जल्दी छूट जाना, मतलब प्री मैच इजैकुलेशन होना, शीघ्रपतन होना एक आदत सी बन जाती है, तो फिर उसका प्रॉब्लम होता है ट्रीटमेंट करने का। एक कुछ अभी रिसेंट रिसर्च जो है वो बताता है कि बायोलॉजिकल प्री डिस्पोज्ड लोग होते हैं कुछ लोग, कि जिनके वजह से ये डिसफंक्शन होता है, दे आर बायोलॉजिकली प्री डिस्पोज्ड टू दिस डिसफंक्शन, मतलब उनका बायोलॉजी जो है, केमिकल लोचा जो है वो एक इस तरह का है कि उनको ये प्री मैच इजैकुलेशन होता है, या फिर कुछ लोग वल्नरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, मतलब थोड़ा भी स्टिमुलेशन हो गया, सिंपथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गई, तो फिर जल्दी वो एक्साइट हो जाते हैं और जल्दी उनका पतन हो जाता है। या कुछ लोगों ने रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि दे हैव गॉट शॉर्टर बल्बो कैवर्नोजस रिफ्लेक्स नर लेटेंसी टाइम। अभी ये बहुत इंग्लिश बहुत बड़ा मैं कॉम्प्लेक्स वापर लिया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शॉर्टर बल्बो कैवर्नोजस रिफ्लेक्स नर लेटेंसी टाइम, मतलब नर्व में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि उनको जल्दी स्टिमुलेशन हो जाता है और वो नर्व से जल्दी स्टिमुलेशन होकर, एक्साइटमेंट होकर जल्दी छूट जाता है। तो ऐसे कारण है, और ये 2-5% लोगों को इस तरह से हो सकता है कि उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बोला बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन है, या सिंपथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन जल्दी हो जाता है,
या फिर उनको मतलब जो नॉन लेटेंसी टाइम है वो कम है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसे कुछ कारण रहते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी केसेस में वो जो होता है वो साइकोलॉजिकल कॉज होता है। अभी ये जनरलाइज हो सकता है या सिचुएशनल हो सकता है, मतलब हर बार जल्दी गिर जाता है, या फिर सिचुएशन मतलब कोई कोई सिचुएशन में हो जाता है, जैसे कहीं बाहर कहीं कांटेक्ट हो जाता है, तो बाहर कांटेक्ट होने के बाद में मतलब पति पत्नी के रिश्ते के अलावा वो बाहर जाता है और वहाँ कांटेक्ट करता है, तो वो नावीन्यपूर्ण रहता है वातावरण, तो उसमें जल्दी छूट हो जाता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा है तो छूट हो जाता है, या फिर नए पार्टनर के साथ में जब आप करते हैं तो जल्दी छूट, मतलब वो एक सिचुएशन हो सकता है या जनरलाइज है, मतलब कहीं भी जाओ उसको शीघ्र पतन हो रहा है, एनी एट एनी प्लेस ही हैज गॉट, और सिचुएशन मतलब कुछ कुछ पर्टिकुलर जगह पे उसको सिचुएशन पे ऐसा हो रहा है। फिर कुछ लोगों का लाइफ लॉन्ग है और कुछ लोगों का अक्वायर्ड है। अब लाइफ लॉन्ग मतलब पहले से ही ऐसा चालू हो गया, मतलब जब से सेक्स एक्टिविटी चालू होगी तब से उनको ये शीघ्र पतन है, या फिर कुछ लोगों का अक्वायर्ड है मतलब पहले ठीक था अभी ऐसा हो गया और शीघ्र पतन हो रहा है। मेजॉरिटी लोगों को साइकोलॉजिकल है, मगर कुछ लोगों को कंबाइंड हो सकता है। तो इस तरह का ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन या अर्ली इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की बीमारी है और इसका इलाज है। इसका इलाज मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक से इसका इलाज होता है। स्क्वीज टेक्निक है, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है, फिर कुछ दवाइयाँ जो है कि जो दवाइयाँ देके जो शीघ्र पतन होता है वो कम कर सकते हैं, मतलब उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। तो उसमें जो ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, वो स्टिमुलेशन जो हो रहा है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो रही है, उसको थोड़ा सा क्वाइट करना, दबा देना, जिससे कि शीघ्र पतन नहीं होगा, तो वो दवाइयाँ हैं। फिर कुछ लोकल स्प्रे है, लोकल ऑइंटमेंट्स है कि जिससे थोड़ा सा शीघ्र पतन मतलब लंबा कर सके। बेस्ट जो है वो है मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक। उसमें फीमेल सुपीरियर पोजीशन मतलब महिला ने या लेडीज़ ने ऊपर से आना और आदमी नीचे है, ऐसी फीमेल सुपीरियर पोजीशन और स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक या स्क्विज टेक्निक, उससे फ़ायदा हो जाता है, और काफ़ी दवाई भी है उससे भी फ़ायदा हो जाता है। तो इसका जरूर इलाज करो, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि पूरे जो प्रॉब्लम्स है मतलब ये ऐसा हो जाता है कि 50% अटेम्प्ट जो होते हैं उसमें मतलब उससे 50 मतलब 100 बार यदि कांटेक्ट हुआ तो 50 से कम बार यदि वो सेटिस्फाई नहीं कर सका, या 50 मतलब कम से कम 50 बार तो भी वो मतलब 50% ऑफ द टाइम्स ऑल्सो शुड बी एबल टू सेटिस्फाई। इफ यू कैनॉट सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है अपने पार्टनर को, 50% सेटिस्फैक्शन का रेट 50 से कम है, तो फिर ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है। तो फिर ये जो है ये इलाज ना जरूरी है, और जब आप इसका इलाज करते हैं तो काफ़ी सारी मतलब पति पत्नी के प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे, डिवोर्सेस बच जाएंगे, क्योंकि फिर लेडीज़ जो है उनको समाधान नहीं मिलता, फिर वो चिड़चिड़ापन करती है, फिर वो गुस्सा करती है, फिर आपस में पट्टा नहीं है, और फिर उसमें फिर शादी स्टेक पे लग जाती है। तो लोगों को शेयर करो ताकि लोगों की शादी बच जाएंगी, बहुत सिंपल आसान तरीका है उसको ठीक करने का। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।